सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई ताकि इन सभी गरीब परिवार के लोगों को पक्का आवास मिल सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जनपद श्रावस्ती के ब्लॉक हरिहरपुर रानी के सरदारपुर गांव में 50 गरीब परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास न मिलने के कारण इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास घर नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूरी पर हरदम निर्भर रहता हूँ, खाने भर के नहीं कमा सकता हूँ तो घर कैसे बन जाए। कोई काश्तकारी हमारे पास नहीं है, झोपड़ी बनाए हुए हैं, धूप आंधी तूफान में उड़ जाता है, भीग रहे हैं, ठंडी की परेशानी सहते हैं, गर्मी की परेशानी सहते हैं। आपने आवास के लिए किसी से मांग किया था? सर मांग किया, प्रधान जी से मांगा, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी ने कहा आएगा तब देंगे। तीन साल हो गया सर, हमको कहा कि तुम्हारा आवास आ गया है, पैसा नहीं आया है। सर आज तक 3 साल गुजर गया, आज तक पैसा नहीं आया है। SDM साहब से भिलगा जा करके दरख्वास्त दिया, DM से 2 बार दरख्वास्त दिया, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं किया। आवास मिल जाए तो रहे जगह हो जाए, पानी बूंदी गिरे लागे तो कहीं रह कि है घर कुरिया तो मन आड़ हो जाए कि हाँ इमन लखटिया गंदरी ना दी भीजा ना जाए, पथरा गिरे लागे तो कहीं रही कि मन बचत रही, खटिया गंदरी बची ओढ़ना बिछौना बची जाई। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग हरिहरपुर रानी के खंड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर 94-15-46-38-77 पर कॉल करके दबाव बनाएं और समुदाय की मदद करें। मैं रही सहमत, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ट के लिए।